एक बार राम नाम बोलने की कीमत क्या हो सकती है? देखिए, क्या दो या चार बार राम नाम बोलने से किसी का कल्याण हो सकता है क्या? ये इतनी कम संख्या में नाम जप करना साक्षात्कार हो सकता, अपना उद्धार कर सकता है क्या? इसके ऊपर बेहद ही सुंदर व्यंग है, एक बहुत ही अच्छी गाथा है, सुने इसका आनंद ले आप। और क्या है कि सच में एक बार राम नाम बोलने की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है क्या? देखिए, एक बार क्या होता है कि दो भाई होते हैं, करमचंद और धर्मचंद, बड़ा भाई। तो छोटे भाई से छोटा भाई उदंडी होता है, शराब के नशे में चूर रहता है, गलत संग में पला बड़ा होता है, यानी उसकी संग अच्छी नहीं होती है। तो बड़ा भाई सत्संगी आदमी होता है, साधु संतों की सेवा में लगा रहता है, हर दिन किसी न किसी दिन वे साधु संतों को घर पे लाता रहता है, उनकी सेवा और भोजन प्रसादी उनको जरूर करवाता है और उनका आशीर्वाद पाते है। इसी प्रकार एक दिन की बात है, जबकि बड़े भाई ने साधु संत घर पे लाए और उनको भोजन प्रसादी करवाया, और वह उदंडी छोटा भाई आया शराब के नशे में चूर, और घर का दरवाजा खोला और अंदर आया और अन्य अपने बड़े भाई से लड़ाई झगड़ा करने लग गया और अपशब्द उन साधु महात्माओं को भी अपशब्द कहने लगा। तो इस तरह जाके वे अपने कमरे में जाके कमरा बंद करके सो गया था। तो बड़े भाई ने क्षमा याचना की महात्माओं से कि महात्मा जी, ये तो गलत संग का थोड़ा हो गया इस पर असर, और ये मेरा ही भाई है, इसे क्षमा करे, मैं आपसे क्षमा प्रार्थना मांगता हूँ, थोड़ा गलत संग का शिकार है ये, तो आप कोई उपाय बताए कि ये क्या माध्यम से कोई ठीक हो सकता है क्या ये? कि हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकता है ये, कि हम पे विश्वास रखो, हम जैसा कहते हैं वैसा करो। तब हमें उसके कमरे में जाने, तो तब महात्मा जी उसके कमरे में जाते हैं और कमरा बजाते खटखटाते कि बाहर निकलो, कि वे छोटा भाई समझ गया कि ये उद्दंडी मेरा बड़ा भाई होगा, उसे मजा चखाते हैं। गेट खोला और ऐसे ही अपशब्द कहने लगता है, तो साधु महात्मा देखते हैं कि नहीं, ये तो नशे में चूर है, अब इसको मारेंगे तो भी किसी प्रकार का कोई असर नहीं होगा। तो साधु महात्मा जी उसको नीचे पटक देते हैं, गुलाटी मारकर एकदम से पैर में लंगड़ी डाल के नीचे पटक देते हैं, फिर उसका यानी एक तरह से उसको उसके हाथ गले में हाथ डाल के यानी दबा देते उसे कि अब बोलेगा ऐसा कि नहीं, उसको दर्द होने लग जाता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, नहीं तू कसम खा के तू राम नाम बोल पे ले, कि नहीं मैं राम नाम तो नहीं बोलूँगा, कि राम नाम बोलेगा जब भी छोड़ूंगा मैं तुझे, कि राम नाम बोलेगा जब भी छोड़ूंगा। तो सहा नहीं गया और बोला राम 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 राम, बस एक बार राम राम बोला और साधु महात्मा ने छोड़ दिया कि देख अब इस नाम को पकड़ के रखना, कभी छोड़ना नहीं, और अगर कोई इसी की कीमत मांगे तो उसकी कीमत कभी मत चुकाना, ध्यान रखना, इसकी कीमत मांगे तो इसकी कीमत कभी ना देना, ना तो लेना ना तो इसकी कीमत देना, इस बात का ध्यान रखना। तो इसी प्रकार करके उसका भाई एक दिन स्वर्गवास हो जाता है, उनका स्वर्गवास हो जाता है। फिर स्वर्गवास होने के पश्चात वे यमलोक जाते हैं, यमलोक में उनका पूरा विवरण देखते हैं उसके छोटे भाई का, कि भाई इसका रजिस्टर खोलो, क्या हिसाब किताब है इसका पाप पुण्य का, वहाँ पर तो एक दो सेकंड में पूरा हिसाब हो जाता है, जैसे भी आत्मा हो, पुण्य आत्मा जीव आत्मा होती है, उसका एक दो सेकंड में हिसाब हो जाता है। यमदूत बोले कि महाराज, ये तो यमराज जी से बोले, महाराज इसका तो भाई पूरे जीवन में पाप ही पाप संग्रहित किया हुआ है, इसने केवल एक महात्मा के कहने पर इसने एक बार राम नाम लिया है। क्या कहा कि एक महात्मा के कहने पर इसने एक बार राम नाम लिया है, तो अब क्या करें कि अब कि यमराज जी बोलते हैं कि भाई जीवात्मा, तुमने एक बार किसी साधु महात्मा के संग में आकर एक बार राम नाम कहा है, बताओ इसकी कीमत क्या लेना चाहते हो तुम, उस जीवात्मा से कहते हैं। तो उसको सटीक बात याद आ जाती है उस महात्मा की, कि ये तो उस महात्मा ने कहा था कि इस राम नाम की कभी कीमत मत चुकाना, कि नहीं महाराज मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता, आप और कोई अन्यत्र रास्ता बताए। तो यमराज जी दुविधा में पड़ जाते कि ये कैसा सवाल है, एक ही पुण्य काम किया था, इसने अपने जवान से एक बार राम नाम लिया था, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, अब करे क्या। कि
इसे ब्रह्म लोक ले चलो, वही वेद ब्रह्मा जी वेदों के ज्ञाता हैं, वही पूरी इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं। उसे ले जाते हैं जीवात्मा को कि इसे उठाओ, पालकी पे उठाओ और चलो, इसको ले चलो वहीं पर, जैसे कोई दूल्हा होता है ना उस तरह ले चलो इस जीवात्मा को। बड़े क्योंकि इसने एक बार तो राम नाम लिया ही है, यानी किसी प्रकार से हमसे भी उद्दंडता ना हो जाए कि इस राम नाम का हम भी कोई ऐसा दुर्व्यवहार ना करते, कि इसको आराम से ले चलो। पालकी में ले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है कि महात्मा के आने पर इस जीवात्मा ने एक बार राम नाम लिया था मुख से, तो हम इससे पूछ रहे हैं कि इसकी कीमत बताओ। ये बोलता है कि मैं कीमत नहीं चुकाऊंगा, तो आप बताइए कुछ कि राम नाम की महिमा, तो राम नाम का ये कीमत तो अब मैं भी नहीं बता सकता कि क्या है इसके बारे में पूरा विवरण, कि देवों के देव महादेव है उनके पास चलो, वे ही कुछ इसका समाधान बता सकते हैं और कुछ ना कुछ इसका रास्ता जरूर निकालेंगे। कि तो चलते हैं, तो ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि रुको मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो ब्रह्मा जी भी उस पालकी को हाथ में लिए, फिर उस जीवात्मा को लेके चलते हैं कि लो चलो इस लीला में मैं भी शामिल हो जाता हूँ। इस तरह करके यमराज धर्मराज और ब्रह्मा जी इस पालकी को लिए हुए शिव जी के लोग कैलाश पर्वत चलते हैं। कैलाश पर्वत में शिव जी से पूछते हैं कि हे महादेव, कि ऐसी लीला हुई है कि इस जीवात्मा ने एक बार अपने मुख से महात्मा के कहने पर राम नाम लिया था, अब ये कीमत चुकाने से टल रहा है, तो इस राम नाम की कीमत क्या है, आप थोड़ा विवरण दीजिए। कि देखिए, मैंने राम नाम का विवरण आपको बताता हूँ कि जब भी मैंने विष धारण किया था तो राम अंदर ग्रहण किया और मां में अंदर अपने कंठों में अटका लिया था, यानी उसको भीतर नहीं जाने दिया था इस राम नाम से। मगर इसका पूर्ण रूप से मैं आपको तर्क सहित मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं इसको जपता जरूर हूँ, लेकिन इसका पूर्ण रूप से विस्तृत वर्णन मैं इसका यानी इसकी कीमत चुका नहीं सकता, ये मुझको पता नहीं। तो आप इसको स्वयं साक्षात श्री राम जी के पास ही ले जाओ, भी आपको पूरा विस्तृत विवरण देंगे इसका। तो इस तरह शिव जी भी कहते हैं कि मैं भी इस लीला में शामिल होऊंगा, मैं भी साथ में चलूंगा श्री राम जी के वहाँ पर, और वे क्या तर्क वितर्क करते हैं इस संदर्भ में, इसका मैं भी उत्सुक हूँ इस चीज़ को जानने के लिए। शिव जी भगवान भी उसके पास जाते हैं, उसको पालकी में लिए हुए, अब देखे क्या लीला है अद्भुत की। धर्मराज यमराज भी, ब्रह्मा जी शिव जी सब हाथ में लिए हुए वो पालकी में बिठाए उस जीवात्मा को, उस एक नाम नाम की जाप उसका कीमत जानने के लिए उनको कहाँ ले जाते हैं, यानी श्री राम जी के पास ले जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, श्री राम जी के पास ले जाते हैं, उनको हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं सर कि हे प्रभु, ये राम नाम की कीमत नहीं चुका रहा है, अब आप ही कुछ समाधान कीजिए। सब लीला समझ जाते हैं प्रभु श्री राम वहाँ पर बिना बताए कि जीवात्मा यहाँ आओ, तो आप मेरी गोदी में यानी मेरे गोद में बैठो। जीवात्मा को गोद में बिठाते हैं कि आप राम नाम की कीमत आप चुका दो, ये तो चुका नहीं पाए, आप चुका दो। कि भाई, कि राम नाम की कीमत तो मैं भी नहीं चुका सकता, लेकिन महिमा आप देख लो, ये देखो आपके पीछे पीछे ये सब ब्रह्मा जी यमराज जी और ये महादेव सब आपके पीछे पीछे आपको पालकी में लिए हुए, ये महिमा है राम नाम की। अब इसी प्रकार कि ये राम राम की कीमत नहीं चुकाई जा सकती, आप इस चीज़ का ध्यान रखें, उसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती, उसकी महिमा अन्यन है कि आप उससे कई चीज़ें पा लोगे, कई चीज़ें अनंत कोटि आपको लाभ ही लाभ है। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि राम नाम जब भी आप धारण करते हो अंतर्मन में, उस नाम को धारण करते हो, फिर आप कोई ऐसा गलत कार्य ना करें अपने जीवन में कि उसका सहारा लेकर आप ऐसा सोचते हो कि मैंने इतना दुष्कर्म कर दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया, उसके पश्चात मैं प्रभु का नाम लूँ उस पाप को मिटाने की कोशिश करूँ, ऐसा ना करें। अगर आप प्रभु का नाम धारण कर लेते हो तो उसके बाद ये कोशिश करें कि आप एक सत्गति के मार्ग पर ही चलो, अध्यात्म के मार्ग पर चलो, उस प्रभु के बताए हुए सत मार्ग पर चलने की पूर्ण रूप से कोशिश करो।
ठीक है। अब देखिए इतनी अद्भुत महिमा है, इस महिमा को जानकर राम नाम की, आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर हमें कमेंट करके बताएं। और अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और जुड़े हमारे चैनल आत्मा का सफर। जय श्री राम। तब तक के लिए ओम नमो भक्ति वासुदेवाय।